हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आज डिक्लेयर कर दिया गया दोस्तों, एक दिन पहले। हम लोग को अटकलें लग रही थी दोस्तों कि रिजल्ट जारी होगी या नहीं होगी कोरोना के कारण, लेकिन एनटीपीसी ने सही समय से कुछ राज्यों का, कुछ जोन का कट ऑफ जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आपकी हद्याने की बात नहीं है, जिसका भी रिजल्ट हुआ होगा ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ, 4-5 PDF दी गई है दोस्तों, उसमें अच्छी तरीके से चेक करें, इसमें गड़बड़ी की कोई बात नहीं है दोस्तों। एक पीडीएफ देखने के बाद अपना रिजल्ट चेक नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि 4-5 PDF में दिया गया। इसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं। इसको खोल के दिखाते हैं, लिंक को आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जितने भी स्टेट थे, अहमदाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई, पटना, भोपाल, रांची, छत्तीसगढ़, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोरखपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, जितने भी बोर्ड थे दोस्तों, सभी ने धीरे धीरे अपना जो रिजल्ट है धीरे धीरे अपना जारी कर रही है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ही स्टेट का, जो कुछ ही जोन है उसका रिजल्ट जारी हो रहा है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, आरआरबी चेन्नई का रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों। और इसको खोल के दिखाएं कितने पीडीएफ, मुजफ्फरपुर का भी जारी हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर की लिखा है, लेकिन बाकी का सुन लिख रहा है दोस्तों। इसके बारे में विशालपुर का, बिलासपुर का भी यहाँ पर देख सकते हैं, बिलासपुर का भी यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों, और बैंगलोर का भी जारी किया गया। तो इसी तरीके से जितने भी स्टेट है, सिलीगुड़ी है, भुवनेश्वर है, ये सब का जारी किया गया दोस्तों, और कुछ स्टेट का अवेलेबल सुन है, तो कल तक जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो मुजफ्फरपुर है उसका खोल कर आपको दिखाते हैं, वहाँ पर क्या आपको दिखाती है दोस्तों। देख सकते हैं रिजल्ट है ऑप्शन, थोड़ी सी सर्वर प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये खुलेगी दोस्तों। देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए बोला, डाउनलोड करेंगे दोस्तों पीडीएफ, क्योंकि पीटीएफ 6-7 तक देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एकदम क्लियर मेंशन किया गया दोस्तों, देख सकते हैं क्या किया गया, देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज आपको क्लियर बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं थोड़ी सी में हड़बड़ हो जाएगी। क्लियर स्टेज, सेकेंड स्टेज CV2 आर कंडक्ट फॉर द इच द 7 CPC लेवल नोटिस नोटिफाइड, कहा गया दोस्तों। इसमें आपकी जो दी गई है नोटिफिकेशन दोस्तों, इसमें लेवल बाय लेवल आपके रिजल्ट दी गई है दोस्तों। कैसे लेवल बाय लेवल दी गई है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जो भी आप जोन से भरे होंगे उस जोन में ASM का, गुड्स गार्ड का जो भी पोस्ट थे उसमें जिसके भी जितने भी सीट थे उसका 20 गुना रिजल्ट दिया गया। कितना दिया गया, उसका 20 गुना रिजल्ट दिया गया। तो आप समझ सकते हैं जो भी जोन से, जो भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए होंगे उस जोन के उस पोस्ट से आपके रिजल्ट दिए गए होगा 20 गुना। तो आप समझ सकते हैं कितने पीडीएफ दिए गए होंगे, इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 PDF दी गई हुआ दोस्तों। कितनी, 5 PDF दी गई है। 5 PDF में से आपका जिस किसी में भी रिजल्ट होगा उसमें आपका रिजल्ट रोल नंबर शो कर देगा दोस्तों। इसीलिए आप 5 PDF को स्थिर से चेक करेंगे, क्योंकि एक PDF में एक ही पोस्ट का रिजल्ट दिया गया है, और उस पोस्ट में आपका रिजल्ट होगा तो उसमें आपको क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। इसीलिए आप जिनका भी रिजल्ट NTPC का है वो 5 PDF को धैर्य से देखें, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनका भी रिजल्ट हुआ होगा 20 गुना रिजल्ट देगी दोस्तों। इसके बारे में आपको नीचे दिखाते हैं कितनी पोस्टों पर दी गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये PDF है दोस्तों। 301 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। कितने का, 301 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड किया गया। तो इसमें पोस्ट की संख्या बहुत ही कम थी, इसीलिए इस पोस्ट में 301 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया, मतलब 20 गुना रिजल्ट देती है। तो आप समझ सकते हैं कितने कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड किया गया, 15 से 16 कैंडिडेट का इसमें सीट था, इसीलिए 20 कैंडिडेट का, एक सीट पर 20 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया। इसीलिए आप समझ सकते हैं जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है 20 कैंडिडेट का, आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, 20 गुना का रिजल्ट दिया गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, देख सकते हैं चेयरमैन आरआरबी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। और कोई जोन का निकलता है दोस्तों नोटिस, तो आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर बने होंगे तो ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों।
और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी का रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक हैं वो देखें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।